आप देख रहे हैं बीपीएनयू राजस्थान में किशोर तंवर भवानी मंडी राजस्थान से। राजस्थान राज्य संयुक्त नर्सेज एसोसिएशन के तत्वाधान में नर्सेज की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर भवानी मंडी ब्लॉक के समस्त चिकित्सालय तथा सीएससी भवानी मंडी, पीएससी पचपाल, पीएससी गुराड़ा जोगा, पीएससी मिश्रोली, पीएससी आवार और पीएससी गरनावद में तीसरे व चौथे दिन सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया गया। यह कार्य बहिष्कार 16 अगस्त से 24 अगस्त तक जारी रहेगा। सीएससी भवानी मंडी पर ब्लॉक पर आज के धरने का नेतृत्व जगदीश मीणा जिला उपाध्यक्ष झालावाड़ के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर रमेश जी सुथार, अविनाश जैन, रामेश्वर पाटीदार, प्रमोद यादव, सीमा पवार, कमलेश सैन, रचना मेहर, कुसुम लता, जितेंद्र मेघवाल, रणवीर जैन, रमन जैन, धर्मेंद्र अहीर, जावेद खान, राजाराम मीणा आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हाँ जी सर, आज का जो आपका जो धरना है जो लगातार चल रहा था, आज कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन है हमारा धरने का जी। और वैसे तो हमारा विरोध प्रदर्शन 18 जुलाई से चल रहा है जी, पर गेट के बाहर जो धरना है वो 16 अगस्त से 24 अगस्त तक हमने प्रस्तावित है और यहाँ तक करेंगे जी। तो अब तक जो 3-4 दिन जो गुजरे हैं, इस बीच क्या किसी प्रकार का कोई संदेश आया क्या सरकार की ओर से? देखिए, संदेश जब आता है, सरकार जब झुकती है, जब उनकी व्यवस्था बिगड़ती है। हम लोग 2 घंटे कार्य बहिष्कार भले कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू है, तो मरीजों को कोई परेशानी हम आने नहीं दे रहे हैं, तो सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। दूसरी बात, हमें अभी तक राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है, और मीडिया का अगर पूरा समर्थन हमें मिल जाए, इस बात को हाईलाइट कर दिया जाए, तो सरकार भी बैकफुट पे आएगी और बाकायदा झुकेगी भी। सही भाई, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं आपके साथ, भाई आपकी हर खबर दिखाएं, आगे से आगे उस खबर को पहुंचाएं, लेकिन अब जहां तक एक ही सवाल जो अभी आपने भी किया और हमने पहले भी पूछा था कि भाई राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका जो सहयोग है विपक्षी नेताओं का, वो आपके साथ होना जरूरी। देखिए, हमने पक्ष और विपक्षी नेता दोनों, जैसे यहाँ के पाटन के, झालावाड़ के और जगह के भी एमएलए हैं या मंत्री है या सांसद है, उनको ज्ञापन दिया है, उनके माध्यम से सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार केवल वही चीजें पूरी करती है जो उसके खुद के फायदे के लिए होती है, जहाँ पर उनका प्रचार होता है केवल उसके लिए करती है। और जैसे कि आप 2 पत्रकार यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि सभी पत्रकार महोदय यहाँ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चाकूबाजी हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी खबरों के लिए। तो क्या है, नर्सेज की जायज मांगों के लिए वो एक साथ एक मंच पर नहीं आ सकते? बिल्कुल, अगर आप लोग प्रयास करेंगे और आप सभी को बुलाएंगे तो क्यों नहीं सारे के सारे भवानी मंडी के पत्रकार आ सकते हैं। सबको न्यूज भी देते हैं यहाँ पे, हमारे धरने की जो भी क्रियाविधि होती है उन सबको भेजते भी है, लेकिन प्रमुखता से छापना, उसको वेटेज देना, ये उनके ऊपर है। जी जी, सही बात। वैसे तो क्या होता है कि सारे जो पत्रकार हैं, कोई एक दो आदमी आ जाता है, उनसे वो भी एक्सचेंज कर लेते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी एक आपका जो मांग है कि भाई सारी मीडिया एक साथ मौजूद होना चाहिए, तो खैर ठीक है, आप प्रयास कीजिए इसके लिए। देखिए, व्हाट्सएप पे इधर उधर से शेयर करने से कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता, आंदोलन में मतलब सिर गिने जाते हैं जी। कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी संख्या है, वो देखी जाती है। अगर मैं अकेला रोड पे खड़ा होकर चिल्लाऊं तो मेरी गोंद सुनेगा? आज वही 5,000 आदमी अगर यहाँ इकट्ठे होंगे तो सब लोगों का ध्यान आकर्षण होगा। आज हम अगर 15 जने खड़े हैं तो लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये किस वजह से खड़े हैं, सुन रहे हैं। तो आगे की रणनीति का कुछ खुलासा करना चाहेंगे आप? 25 अगस्त को हमारे जयपुर में एक महारैली है, जिसमें भारी संख्या में सभी नर्सेज यहाँ से पूरे राजस्थान से जाएंगे और सरकार का घेराव करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये हमारी रणनीति है। अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं हमारा विरोध प्रदर्शन, जिसमें केवल 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया है, उसमें भी आपातकालीन मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हम बकायदा एकाध स्टाफ उनकी सेवाएं कर रहा है। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई अगर आप लोग जो है अपने कार्य का जो बहिष्कार है ये अगर पूरा दिन रखें तो हो सकता है भाई इसका प्रभाव फिर सरकार पे पड़े। आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जयपुर में महारैली की जाएगी, उसके लिए अगर हमें पुलिस के लट भी खाने पड़े तो हम खाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा आंदोलन कम नहीं होगा। हम सभी नर्सेज एक है, उसमें संविदा वाले, यूटीबी, टेम्परेरी और आरएमआरएस से जो लगे हुए सभी साथी, सबके लिए हमें आंदोलन कर रहे हैं, और हम हमारे लिए कम और बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को 5-7 हज़ार रुपए में नौकरी पर रखना चाहता होगा। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम कर दिया है, पहले तो हमारी जो पेंशन स्कीम थी उसको बंद किया, हमारे बुढ़ापे का हमारा सहारा छीन लिया, हमारे पैर काट दिए, उसके बावजूद उसको चालू करा तो अभी भी पूर्ण रूपेण में उसका फायदा नहीं मिल रहा है। कभी केंद्र के ऊपर पाला डाल दिया जाता है, कभी किसके ऊपर माथे वो चीज थोप दी जाती है, हमें उसका फायदा अभी तक नहीं मिला है। और गवर्नमेंट ने भविष्य में जो भी भर्तियां करती है
टेम्परेरी बेसिस पे करती है। 5-7 हज़ार रुपए में जब उनको नए लड़के मिल रहे हैं काम करने वाले, तो 50 हज़ार रुपए खर्च करके क्यों नौकरी देगी? तो परमानेंट नौकरियां छीनी जा रही है, जो कि बहुत ही न्याय संगत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कोई विरोध नहीं करता, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर उसको 10 हज़ार रुपए में कोई नौकरी देना चाहे तो एक को बुलाते हैं, 50 तैयार होते हैं। आप कोरोना काल जैसी विभीषिका में, कोरोना काल जैसी विभीषिका में यूटीपी पे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जो कर्मचारी लगे हुए थे उन्होंने अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन किया तो गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया। लेकिन अगर 10 कर्मचारियों को हटाए 100 कर्मचारी नए तैयार हो गए, क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है। और एक तरह हम कहते हैं कि बहुत सारी नौकरियां दे रहे हैं, बहुत सारी नौकरियां कहाँ है? नौकरियां आप जो है उसको भी छीन रहे हो। कौन सी नौकरियां हैं आप मुझे बता दीजिए। अभी ये सफाई कर्मचारियों की एक भर्ती निकली थी लेटेस्ट, उसमें भी भर्ती पहली बात तो बहुत मुश्किल से निकलती है, और निकलती है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पेज डाल दिए जाते हैं, कोई स्टे लगा दिया जाता है, कोई विरोध प्रदर्शन कर देता है, तो भर्ती एक्चुअली में हो ही नहीं रही है। भर्तियों का केवल नाम है। थैंक यू।